तो उस हेलमेट का जो है पैडिंग जो है निकलनी चाहिए, तो इसमें निकलने वाला ऐसा कुछ नहीं पैडिंग, तो इसमें आपको हमें एडजस्ट करके दिखाने वाला हो कि मैं यार इसमें जो है माइक जो है किस तरह से एडजस्ट करने वाला हो, पीछे से आके ऐसा मोबाइल इसमें से खींच कर निकालने ले जाए, इसके लिए जो है हम ये टाइट करने वाला यूज़ कर रहे हैं। इससे क्या है कि मोबाइल एकदम आपको जितना लगता है उतना आप टाइट कर सकते हो आपके हिसाब से, तो मोबाइल जो है छीनने का कुछ आपको डर नहीं रहेगा। इसमें जो है मैंने यहाँ पे थोड़ा कैंची से कट लगाया है, और जो बाकी का जो बचा हुआ जो वायर है तो जो है मैं इस पोर्शन में जो है पूरा फिट करने वाला हूँ। और देख सकते हो सस्ते से मिलते हैं, तो आप बिल्कुल नहीं लेना। और अभी ये मेरा जो है फर्स्ट एक्सपीरियंस है मोटर ब्लॉगिंग का, तो अभी यहाँ से जो है मैं गाड़ी जो है अभी फुल स्पीड में यहाँ से ले जाने वाला हूँ। हेलो गाइज, स्वागत है आपका फिर से एक और नए वीडियो में। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं मोटो ब्लॉगिंग सेटअप के बारे में। तो मेरे पास एक सेटअप है मोटो ब्लॉगिंग का, तो मेरा सेटअप जो है आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि मैंने क्या क्या यूज़ किया है सेटअप में। और कल जो है मैंने मेरा फर्स्ट ब्लॉग शूट किया था, तो मैंने जो है चैनल पर अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने अभी तक कुछ फर्स्ट ब्लॉग देखा नहीं है तो जाके जल्दी से चैनल पर आप मोटो ब्लॉग ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग जो है आप देख सकते हो। तो गाइज चलिए करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत, तो दिखाते हैं आपको मेरे मोटो ब्लॉगिंग सेटअप में क्या क्या चीज़ें हैं। तो चलिए, तो अभी हम इसमें यूज करने वाले हैं एक चेन माउंट है, माइक एडेप्टर, तो अभी इसमें से जो है हम इतना सामान यूज करने वाले हैं इसमें, तो अभी आपको ये सेटअप करके दिखाता हूँ मैं पूरा। इसको कर देते हैं हम साइड में। तो इसके लिए अभी मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ ये स्टील बर का जो है हेलमेट है, जो कि मुझे बाइक पे मिला हुआ था। तो आपने जो ब्लॉग देखे होंगे, बहुत से आपने ब्लॉग देखे होंगे सेटअप में, तो उसमें कहा जाता है कि जो हेलमेट यूज़ करना है आपका आपको, तो उस हेलमेट का जो है पैडिंग जो है निकलनी चाहिए, तो इसमें निकलने वाला ऐसा कुछ नहीं पैडिंग, तो इसमें आपको मैं एडजस्ट करके दिखाने वाला हूँ कि मैं यार इसमें जो है माइक जो है किस तरह से एडजस्ट करने वाला हूँ। तो ये रहा एक चिन माउंट है जो कि इसमें माउंट होने वाला है, तो ये एक चिन माउंट यूज़ करने वाला है इसमें मैं। और उसके बाद ये जो है मोबाइल होल्डर है, इसको अभी मैं यहाँ पे माउंट करके दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले हम चिन माउंट इसमें लगाएंगे। तो इस तरह से हो गया है अभी सेट। तो अभी इसमें जो है हम इस माउंट को इसमें लगाएंगे। तो ये जो है अभी इसमें सेट हो चुका है, तो अभी इस पे जो वाला ये वाला हम माउंट लगाएंगे इस तरह से, और इसको जो है यहाँ से टाइट कर लेंगे। और इसके बाद जो है ये जो मोबाइल होल्डर है, तो हम जो है ये टाइट करने वाला होल्डर यूज़ कर रहे हैं। तो इसकी खासियत ये है कि जब भी हम इसमें मोबाइल जो है इसमें लगाएंगे, तो हम इसको जो है अपने हिसाब से टाइट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब अगर हम कहीं भी अभी ब्लॉक शूट कर रहे हैं, तो ज़्यादातर दिक्कत क्या होती है कि डर लगता है कि अभी हम इतना महंगा आईफोन यूज़ कर रहे हैं, कोई पीछे से आके ऐसा मोबाइल इसमें से खींच कर निकालने ले जाए, इसके लिए जो है हम ये टाइट करने वाला यूज़ कर रहे हैं। इससे क्या है कि मोबाइल एकदम आपको जितना लगता है उतना आप टाइट कर सकते हो आपके हिसाब से, तो मोबाइल जो है छीनने का कुछ आपको डर नहीं रहेगा। तो इसमें जो है यहाँ पे हम इसको ऐसे टाइट कर देंगे, तो ये देख सकते हो यहाँ पे जो है अपने हिसाब से मुझे जितना चाहिए उतना मैं टाइट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मोबाइल जो है एकदम टाइट हो चुका है, तो इस तरह से ये सेटअप जो है ऐसा लगने वाला है। तो अभी इसमें हमारा जो है माइक अभी फिट करना बाकी है। तो अभी मेरे पास जो है मैं ये ब्लॉग जो है ये वीडियो जो है मेरे आईफोन से शूट कर रहा हूँ, तो इसके लिए जो है हमें एक्सटर्नल माइक जो है कनेक्ट करने के लिए हमें आईफोन का जो माइक अडाप्टर जो आता है वो यूज़ करना पड़ता है, जो कि ओरिजिनल चाहिए। और ये जो है मुझे मैंने ऑफलाइन शॉप से ख़रीदा है, जो कि मुझे 900 रुपये का गिरा है। तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे जो है अडाप्टर मिलते हैं, अमेज़ॉन पे आप देख सकते हो सस्ते से मिलते हैं, तो आप बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि मैंने भी एक लिया था ऑफलाइन शॉप से, तो आपको मैं दिखाता हूँ। ये वाला जो है इसमें जो है हेडफोन जो है काम करता है, लेकिन इसमें एक्सटर्नल माइक जो है बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता है, तो इसमें आवाज़ बिल्कुल नहीं आई, तो इसलिए मैंने जो है
ओरिजिनल वाला जो है माइक अडेप्टर परचेस किया था मैंने निकल शॉप से। तो अभी मैंने अभी जो माइक लगाया, अभी इस माइक को निकाल के जो है मैं अभी हेलमेट में जो है लगाने वाला हूँ। तो इसमें अगर आप थोड़ा सा हल्का सा अगर उंगली वगैरह डालोगे ना तो ये अंदर से जो है पूरा आसानी से चले जाएगा हाथों से। और ये जो है अभी इसको मैंने निकाल लिया है। तो इसका वायर को जो है हम खींच के टाइट करेंगे। अभी इसमें जो है मैंने यहाँ पे थोड़ा कैंची से कट लगाया है और जो बाकी का जो बचा हुआ जो वायर है तो जो है मैं इस पोर्शन में जो है पूरा फिट करने वाला हूँ। और इधर से जो है मैंने एक कट रख दिया है कैंची से। तो इसमें से वायर निकल के, यहाँ से वायर निकल के जो इसमें मोबाइल में मैं फिट करने वाला हूँ। तो अभी इसको मैं फटाफट से यहाँ पे कर लेता हूँ। तो इसमें जो है अभी वायर जो है मैंने निकाल लिए और इधर से इसको डाल के जो है अभी हम सामने से निकाल लेते हैं। तो ये जो है अभी यहाँ से निकल गई है। तो अभी बचा हुआ वायर जो है इसको जल्दी से हम अंदर सेट कर, तो इसे हम मरिए। तो अंदर जो है अभी देख सकते हो आप, यहाँ से जो है मैंने पूरा माइक का सेटअप कर दिया है और ये जो है केबल अभी बाहर निकाल लिए मैंने। तो इसमें अभी जो है मैं मेरा जो सैमसंग का मोबाइल वो आपको फिट करके दिखाता हूँ। तो इस तरह से जो है अभी ये सेटअप रेडी है। तो ये देख सकते हो आप इस तरह से अभी दिख रहा है। इसको अभी मैं पहन के देखता हूँ। तो ये आप देख सकते हो अभी इस तरह से अभी सेटअप पूरा रेडी हो चुका है। तो बस अभी इसमें अभी हमें आई फोन फिट करना है और अभी एक हल्की चीज हम यहाँ पे राइड करके आएंगे। तो अभी देखते हैं। तो अभी फिलहाल जो है मेरे पास बाइक, अभी सामने देख सकते हो HF Deluxe जो है अभी फिलहाल ये बाइक है मेरे पास। स्पोर्ट बाइक वगैरह अभी फिलहाल मेरे पास कुछ नहीं है। तो चलिए अभी सामने जो है तो अभी इसमें एंगल का भी पता नहीं किस तरह से एंगल आ रहा है वगैरह। तो अभी हम जा रहे हैं, अभी फिलहाल अभी सिटी से हम निकल रहे हैं एंड सिटी से निकल के जो है हम अभी सोलापुर हाईवे करके जगह जहाँ पे मैंने मेरा फर्स्ट ब्लॉग जो शूट किया था वहाँ पे अभी जाने वाले हाईवे पे। हम थोड़ी गाड़ी वगैरह जो है भगा के देखेंगे एंड अभी यहाँ से अभी जो है हम निकल रहे हैं बाहर, अभी देखते हैं। और अभी ये मेरा जो है फर्स्ट एक्सपीरियंस है मोटर ब्लॉगिंग का। तो अभी देखेंगे अभी मेरे ब्लॉग जो है अच्छे होते हैं या नहीं, क्योंकि शुरुआत है अभी। और कैसे धीरे धीरे जैसे जैसे मेरा एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे जो है मेरे ब्लॉग भी अच्छे ब्लॉग में जो है इम्प्रूवमेंट जो है मैं करते जाऊंगा। तो बस आप जो है सपोर्ट बनाए रखें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। तो ये अभी सामने जो है हाईवे आ चुका है। तो अभी यहाँ से जो है मैं गाड़ी जो है अभी फुल स्पीड में यहाँ से ले जाने वाला हूँ। तो गाड़ी जो देखते हैं अभी कितने स्पीड पे जाती है। सबसे पहले जो है इसका मुझे लॉक तोड़ना पड़ेगा गाड़ी भगा के। तो यहाँ से अभी जो है हम वापस चलते हैं और हेलमेट को पहले जो है लॉक कर लेते हैं।
क्योंकि हेलमेट बहुत बज रहा है। यहाँ पे जेसीबी से काम चल रहा है, पोकलेन से काम चल रहा है, यहाँ पे पाइप लाइन बिछाने का चल रहा है काम। और यहाँ पे अभी हमें हम ऊपर जाने वाला है फ़ोटो शूट करने के, तो शायद लगता है यहाँ पे लोगों ने बंद किया हुआ, नहीं नहीं है जगह जाने के लिए, तो यहाँ पे अभी हम ऊपर जाएंगे फ़ोटो निकालने के लिए। और यहाँ पे जो पूरी गंदगी करके रखे लोगों ने, और यहाँ पे बैकग्राउंड पीछे देख सकते हो आप कितने बड़े बड़े पहाड़ है, और ये यहाँ से आप नज़ारा देख सकते हो सामने। तो गाइस ये आज का जो ब्लॉग है मुझे लगता है थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, तो इस ब्लॉग को जो है मैं यही बयान करता हूँ। आई होप कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा तो मेरे ब्लॉग को लाइक करो और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करो, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि नेक्स्ट टाइम मैं मोटो ब्लॉगिंग करने के लिए कहाँ पे जाऊँ, ये कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।